पिछले कुछ दिनों में मौसम में हुए बदलाव के बाद उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम फिर से शुरू होने वाला है। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली समेत कुछ हिस्सों में हवाएं और हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान कंट्रोल में रहा। वहीं सुबह में वातावरण सुहाना लग रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार यानी कि आज से पारा बढ़ेगा और गर्मी लोगों को परेशान करेगी और लू चलने से आने वाले दिनों में तापमान 44 डिग्री रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा, सोमवार से एक ताज़ा लू चलेगी और मंगलवार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं रविवार से न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। हालांकि मौसम विभाग की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक आकाश में कभी कभार बादल छाए रहेंगे। इस वक्त सुबह में मौसम में कुछ नमी रहेगी, लेकिन दोपहर में तेज गर्मी पड़ेगी। लंबे इंतजार के बाद बुधवार को दिल्ली में छिटपुट जगहों पर ओलावृष्टि और हल्की बारिश देखने को मिली थी। शहर में गर्म और शुष्क मार्च देखा गया, जिसमें सामान्य तौर पर होने वाली 15.9 मिलीमीटर की तुलना में शून्य वर्षा हुई। 12.2 मिलीमीटर के मासिक औसत के मुकाबले अप्रैल में 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी पारा चढ़ेगा और गर्मी अपना तेवर दिखाएगी। उधर तटीय राज्य उड़ीसा पर इस समय चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान के पास बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 8 मई तक साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इसके बाद इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। सरकार ने खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 और ओडीआरएएफ की 20 टीमें तैनात की हैं। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाली आसनी चक्रवाती तूफान का सामना करने के लिए उड़ीसा सरकार पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।